जानकारी लेते हैं कि इंजेक्शन को कई भागों में बांट दिया, जैसे कि इंद्रधनुष है या जो केंद्र सरकार की जो योजना थी वो दिल्ली सरकार के अंदर आ गई है, लेकिन इतना काम करने के बावजूद भी ये लोग ये रोड पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांगें क्या है हम जानकारी लेते हैं। मैडम आपका नाम? रेणु कौशिक। मैडम ये इंद्रधनुष की बात करते हैं तो ये इंद्रधनुष है क्या? ये प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई है, 7 से 14 तारीख तक होता है ये। इसमें 0 से 5 साल के बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। एरिया में हम डिसाइड करते हैं, पहले हम ड्यू लिस्ट पहले हेड काउंट करवाते हैं, उसके बाद ड्यू लिस्ट बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस बच्चे को टीकाकरण हुआ है, किसको नहीं हुआ है, फिर हम एक स्पेस बनाते हैं कि हमें यहाँ बैठकर टीकाकरण करना है पूरे एरिए में, आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर को भेज के। अगर किसी कारण से कोई बच्चा नहीं आ पाता है तो हम खुद जाके उसके घर पे और बच्चे को बुला के लाते हैं और हम खुद उसको इम्यूनाइज करते हैं, फिर भी हमें कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो मैडम ये इंजेक्शन सभी बच्चों को अनिवार्य होता है या मतलब कोई ना लगवाए तो उससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, अनिवार्य होता है ये। जैसे अगर BCG का नहीं लगवाएंगे तो TB से खतरा रहता है, और अगर पेंटा का नहीं लगवाएं तो पेंटा में तो 5 चीज़ें होती हैं, DPT, डिप्थीरिया, टिटनेस, पर्टूसिस और हेपेटाइटिस बी और मेनिनजाइटिस। तो ये अगर वो नहीं लगवाएंगे तो बच्चों को हम 5 बीमारी से बचा रहे हैं ना, और इतने जाके हम फैसिलिटी दे रहे हैं फील्ड में जाके, हमें क्या मिल रहा है? एक हमारी पोस्ट पे जो हैं वो तो 70,000 ले रहे हैं, और एक हम हैं, हम कब मतलब हमें 17 साल हो गए और हम क्या 20,000 में ही रुल रहे हैं। मतलब आप यहाँ 24 दिन आपको लगातार हो गए यहाँ पर स्ट्राइक करते हुए, लेकिन आज जो डिस्पेंसरियों के अंदर जो जो बच्चों का हाल है या मतलब उनको टीका नहीं लग रहा, तो इसका मुख्य कारण ये आप हैं या वो दिल्ली सरकार है? दिल्ली सरकार है भाई। दिल्ली सरकार अगर हमें पूरी फैसिलिटी देगी तो हम तो जाके करेंगे अपना काम। अगर अब ये बात जिस काम को हम किस लिए काम कर रहे हैं, हम इसीलिए तो कर रहे हैं कि हमें पैसा मिले। जब हमें पैसा ही नहीं मिल रहा तो क्यों करेंगे हम?